गाइस, तो आप लोग देख सकते हैं गाड़ी का क्या हालत हो चुका है। और अभी साफ करने के बाद इतना ही साफ लग रहा है। और यहाँ देख सकते हैं क्लच प्लेट का क्या हालत हो चुका है। और ये अभी शोरूम से जेन्युइन पार्ट लेके आए हैं क्लच प्लेट का, देख सकते हैं नया में किस प्रकार रहता है। तो इसको अभी फिटिंग करेंगे। और ये हमारा सेंटर हब था जो काफ़ी घिस चुका था, तो यहाँ पे नहीं था, तो इसको अभी सरेस कागज़ मार के इसको प्लेन किए हैं। और इसमें धार भी नहीं है ताकि क्लच प्लेट को कोई नुकसान पहुँचाए। और ये हमारा प्रेशर प्लेट है, देख सकते हैं किस प्रकार हो चुका है। और यहाँ पे अभी इसको हम फिटिंग करेंगे, उसके बाद देखते हैं गाड़ी का पिकअप कैसा है। और ये देख सकते हैं सारा पार्ट है खुला हुआ, और मोबिल इतना ही ख़राब निकला क्या ही बताएं आप लोग को। तो और इधर ग्लैमर का भी गाड़ी है, इसका भी वही हुआ था, इसका भी इस पॉकेट सब लगा है। और ये आप लोग देख सकते हैं रोलैंड कंपनी का चेन किट लगा हुआ है। और ये आप लोग देख सकते हैं कितना इसमें डस्ट पड़ा हुआ है, अभी क्लीन नहीं हुआ है। और ये जो है आप लोग को देख सकता है इधर क्लच प्लेट कंप्लीट लग चुका है। तो आप लोग वीडियो में बने रहें तो आप लोग को दिखाएंगे। इस गाड़ी का भी वही हाल था, देख सकते हैं इसका क्लच प्लेट का हालत। तो चलिए आप लोग वीडियो में बने रहें, आप लोग को दिखाते हैं किस प्रकार क्लच प्लेट सेट होगा गाड़ी का। तो सारा क्लच प्लेट को हमने मोबाइल से भिंगा लिया है, तो अब इसको फिटिंग कर रहे हैं। हमारा पूरे तरीके से फिट हो चुका है, तो अब हम गाड़ी के अंदर असेंबल करते हैं, देखते हैं। तो हमारा कितना इजी से असेंबल हो चुका है गाड़ी के अंदर, देख सकते हैं कितना आसान से फिट हो चुका है। तो इसके अंदर अब हम नट लगाएंगे, उसके बाद तब आप लोग को दिखाते हैं।